Hey guys and welcome back to my channel. आज हम unboxing and review करने वाले Firebolt Visionary Corning Smartwatch का. मैंने आज तक Firebolt के जितने भी स्मार्टवॉच का रिव्यू किया है मुझे सबसे बेस्ट ये स्मार्टवॉच लगी है. स्मार्टवॉच में आपको 1.78 इंच AMOLED डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, 100 प्लस वॉट्स मोड, इनबिल्ट माइक या स्पीकर मिलता है. सो आप स्मार्टवॉच की हेल्प से कॉलिंग कर सकते हो. यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा. यहाँ पे आपको स्मार्टवॉच के अंदर 120 MB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है. सो आप स्मार्टवॉच को अपने लैपटॉप पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने सॉन्ग को अपने स्मार्टवॉच की इंटरनल स्टोरेज में सेव कर पाओगे और आप इस स्मार्टवॉच को अपने ईयरबड्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. सो आपको सब कुछ मिलने वाला है. सो आपको वीडियो को देखने के बाद इस स्मार्टवॉच को परचेस करना है. लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज मैं आपको वीडियो में स्मार्टवॉच के सारे फीचर्स के बारे में वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. बहुत ही आपको यूनिक फीचर देखने को मिल जाएगा. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो आप वीडियो को पूरा देखना. वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना. सो मैं जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो ये हमारे स्मार्ट वॉच का बॉक्स है. यहाँ पे आपको Firebolt की ब्रांडिंग एंड मॉडल नेम मिल जाएगा. बॉक्स काफ़ी आपको लॉन्ग मिलता है. साइड में आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. बैक साइड में सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है. अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 1 ईयर के लिए वारंटी मिल जाएगी. नेक्स्ट आपको मिलता है गाना का 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन और आपको मिलता है बुक माई शो का वाउचर और आपको मिल जाएगा बोल प्ले ऐप का फ्री मेंबरशिप. सो यहाँ पे आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है. प्लस आपको मिलता है यूज़र मैनुअल जिसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं. साथ में आपको मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, इससे बहुत ही इजीली स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो. सिंपली आप इस तरह से अटैच करके स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे. आपके लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस बन जाएगा. और ये हमारा मेन प्रोडक्ट Firebolt Visionary विद्युत कॉलिंग स्मार्ट वॉच. सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में. स्मार्ट वॉच का वेट ओनली 50 ग्राम है जो बहुत ही लाइट वेट है. डिजाइन आपको बहुत ही स्लिम मिलती है. सो आप स्मार्ट वॉच को आराम से ऑल डे पहन के रख सकते हो. बहुत ही इजीली आप अपना हैंड मूवमेंट कर पाओगे. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम मिलता है. यहाँ पे पूरा आपको स्क्वायर शेप में डायल मिलता है. प्लस यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है जिससे डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगी. इसका लुक बहुत ही एनहेंस हो जाएगा. मुझे पर्सनली इसका लुक बहुत ही पसंद आए. यहाँ पे आपको 10 out of 10 लुक मिल जाएगा. अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे पूरी आपको मेटल की बॉडी मिलती है. पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है. यहाँ पे आपको 20 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं जो कि स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा. यहाँ पे आप इस स्ट्रैप को चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको फिक्स स्ट्रैप मिल जाएगा. राइट साइड में आपको 2 बटन्स मिलते हैं. प्लस यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा. लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिलता है और बैक साइड में आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे. सो यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत ही सुपर एंड प्रीमियम डिजाइन के साथ स्मार्ट वॉच मिल जाएगी. स्मार्ट वॉच में IP67 वाटर प्रूफ रेटिंग मिलता है. सो आप स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो. सावर के टाइम यूज कर सकते हो. स्मार्ट वॉच को आप 1 मीटर डीप वाटर में यूज कर पाओगे. बट अगर आप वेदर डीप वाटर में जाओगे तो आपकी स्मार्ट वॉच खराब हो सकती है. सो नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए सबसे पहले स्मार्ट वॉच को चार्जिंग में लगाना पड़ेगा जिससे आपकी स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी. यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलता है. उसके बाद आपको अपने फ़ोन में DaFit ऐप को डाउनलोड करना है. अभी सिंपली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको एड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे मेरी स्मार्ट वॉच आ जाएगी. देखो यहाँ पे मेरी स्मार्ट वॉच आ चुकी है. सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बहुत ही फास्ट आपकी स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी. सो नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन एनेबल करने वाले. उसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है. विद्युत में जाना है. विद्युत को ऑन कर देना है. यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑडियो Firebolt 046. यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और ये भी कनेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन भी एनेबल हो चुका है. किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए बैटरी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैंने चेक किया यहाँ पे स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा. और एक बार फुल चार्ज करने के बाद स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 6 to 7 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है. अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज़ करोगे, कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे तो भी आपको आराम से 4 to 5 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा. जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच के लिए काफ़ी डिसेंट बैटरी लाइफ है. यहाँ पे कोई स्मार्ट वॉच बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले के बारे में. डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है. यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में 1.78 इंच AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसमें को 368 x 448 रिजोल्यूशन मिलेगा.
वेजर्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है। टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। बहुत ही इजीली आप रिफंड मेनू में नेविगेट कर पाओगे। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, तो आप स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों केस में यूज कर पाओगे। हमारे पास कॉलिंग स्मार्ट वॉच जैसे हमको कंपलसरी कॉलिंग टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं कॉल डायल कर रहा हूँ, मैंने डायल कर दिया। हेलो बंसरी, कितना है घर आवानी? 8 वाली। स्कूटर में बैटरी कितनी है? तो 70% बैटरी। हाँ तो वहाँ तो नहीं आए फटाफट। तो हाँ 10-15 मिनट में। हाँ अनावर बराबर आवे मारो। हाँ मेरा बराबर। हाँ तो वहाँ तो नहीं, चल। हाँ तो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप स्मार्ट वॉच की हेल्प से आप इंडोर एंड आउटडोर दोनों के समय कॉलिंग कर पाओगे। और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का वॉइस असिस्टेंट टेस्ट करने वाले हैं। सिंपली अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। टेल मी अ जोक। व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग सिटी इन द वर्ल्ड? इलेक्ट्रिसिटी। वाओ, क्या जोक्स था। और यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच में म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। सिंपली मैं यूट्यूब पे म्यूजिक स्टार्ट करा हुआ, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया और आपकी स्मार्ट वॉच में म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ यहाँ हो जाएगा। सो आप इस तरह से भी स्मार्ट वॉच में म्यूजिक भी एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच को अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यह स्मार्ट वॉच का चार्जिंग केबल, सिंपली यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं स्मार्ट वॉच में नीचे रख दिया। यहाँ पे चार्जिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच अपने पीसी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, 30 पीसी में जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है यूएसबी ड्राइव एफ। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 120 MB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसमें आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 म्यूजिक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ, इधर 3 सॉन्ग मेरे, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और अपने स्मार्ट वॉच में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये म्यूजिक आपकी स्मार्ट वॉच में आ जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट मैं म्यूजिक प्लेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं स्वाइप ऑफ करता हूँ। यहाँ पे पूरे आपको सॉन्ग्स मिल जाएगा, पूरे आपको सॉन्ग्स मिलते हैं। 120 MB तक आप सॉन्ग ऐड कर पाओगे और आप इस स्मार्ट वॉच को अपने TWS ईयरबड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में जाना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, विद्युत के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ईयरबड्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। हमें सिंपली आपको क्लिक करना है और आपके ईयरबड्स आपके स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। सो आप अपनी स्मार्ट वॉच की ऐप से TWS ईयरबड्स एंड स्मार्टफोन दोनों के म्यूजिक को आप कंट्रोल कर पाओगे। सो आपको इस तरह से बहुत ही सिंपली अपनी स्मार्ट वॉच को लैपटॉप पीसी के साथ कनेक्ट करना है, अपने सॉन्ग को अपनी स्मार्ट वॉच के स्टोरेज में सेव करना है, स्मार्ट वॉच को आपके ईयरबड्स के साथ कनेक्ट करना है और आप म्यूजिक एंजॉय कर पाओगे। आपको स्मार्टफोन की हेल्प की जरूरत है नहीं और आप अपनी स्मार्ट वॉच की हेल्प से अपने ईयरबड्स के मीडिया को भी कंट्रोल कर पाओगे। जैसे आपके फोन में कॉल अगर आपके स्मार्ट वॉच में रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा, स्मार्ट वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो कॉलर का नेम मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो, इस तरह से डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके कॉल को कट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके कॉल को पिकअप कर पाओगे, देखो पिकअप हो जाएगा, पिकअप हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके माइक को म्यूट कर सकते हो, माइक म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके कॉल को स्मार्टफोन एंड स्मार्ट वॉच जब स्वीप कर सकते हो, इस तरह से फिर से कॉल आपका स्मार्ट वॉच में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे आप क्लिक करके कॉल कट कर पाओगे, ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वॉच के यूजर इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में वेक अप फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करके स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप इस डायल को रोटेट करके अपने वॉच फेस को चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिलेगा जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। बाद में आपको सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। सो आप अपने फोन गैलरी में से किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस के तहत यूज़ कर पाओगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। स्वाइप डाउन करते आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। ऐसे अपने स्मार्ट वॉच के वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसे अपने बैटरीज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे। ऐसे आप थिएटर मोड को ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरह से। ऐसे आप प्ले सेट को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आपको वेदर के सारे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पे क्लिक किस तरह आप सेटिंग्स मेनू में जा पाओगे इस तरह से, आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा। स्वाइप अप करते यहाँ पे पूरा आपको नोटिफिकेशन मिला जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, यह पूरा ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरह से, आपके लिए काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा। स्वाइप लेफ्ट करते सबसे पहले आपको मिलता है एक्टिविटी डेटा। यहाँ पे आपको स्टेप काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम और आपको मिलता है हार्ट रेट। नेक्स्ट मिलता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपको मिलता है SPO2। नेक्स्ट आपको मिलता है फोन कॉल। नेक्स्ट फोन कॉल को डायल कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पे आपको डायल पैड को ओपन करना है, नंबर को डायल करना है। सिंपली आपको क्लिक करना है, कॉल डायल हो जाएगा।
तो मैं कट कर रहा हूँ। ऊपर कमेंट है रिसेंट को, यहाँ पर पूरी आपको कॉल की हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नीचे कमेंट है कॉन्टेक्ट, यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट को आप ऐड कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको फेवरेट कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। बाद में यहाँ पे आपको ऐड पिक न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट, जिसको बहुत ईजी आप यूज़ कर सकते हो। और आपको मिलता है वेदर, यहाँ पे आपको वेदर के लिए सारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप कंपाउंड को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे किसी को यहाँ पे ऐड कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैमरा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है, इस हिसाब ऐड कर पाओगे। और स्वाइप राइट करते आपका क्विक मेनू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कोई डेट एंड टाइम मिलेगा, वेदर के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे पूरी आपको रिसेंट एप्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करके अपने मेनू को ओपन कर सकते हो, इसको आप इस तरह रोटेट करके आप मेनू को अप डाउन कर पाओगे, बहुत ही जल्दी आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप डबल टैप करके मेनू को चेंज कर पाओगे, देखो आपका हनीकॉम मेनू आ जाएगा, इसको आप इस तरह यूज कर सकते हो। फिर से डबल टैप करता हूँ, लिस्ट व्यू आ जाएगा पूरा। सबसे पहले आपको मिलता है स्टेप काउंट, यहाँ पे आपको स्टेप का मिलेगा, कैलरी काउंट, डिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा पूरा, यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है फोन को, जिसको मैं आगे टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, जिसको भी हम टेस्ट करने वाले थे, मेरा हार्ट रेट कितना आता है, मुझे होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे शुगर 75 BPM जो नॉर्मल हार्ट रेट है। स्वाइप अप करता हूँ, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम पूरी आपको रेंज मिल जाएगी। बैक करता हूँ, नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, और आपको मिलता है SPO2 जिसको भी हम टेस्ट करने वाले थे, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। यहाँ पे शो कर रहा है 98%, जो काफी अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। स्वाइप अप करता हूँ, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं मेरा ब्लड प्रेशर कितना आता है, मुझे होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे स्कोर है 134/7 है MMHg, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यहाँ पे आपको SBP DBP मिल जाएगा, पूरा आपको ग्राफ मिल जाएगा। बैक करता हूँ, नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको 100+ आपको एक्सरसाइज मोड मिल जाएगा, इसको पूरा यूज़ कर सकते हो, वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपको सेलिंग वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बैक करता हूँ, नेक्स्ट मिलता है आउटडोर एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको रॉक क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग रोलर स्केटिंग सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर डांसिंग बिलियंस सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, इससे आपको 100+ आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। मैं किसी एक मोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ, चलो मैं रनिंग को ओपन कर लेता हूँ। 3, 2, 1 यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा, डिस्टेंस मिलता है, स्टेप काउंट मिलता है, कैलोरी काउंट मिलेगा, हार्ट रेट मिल जाएगा। करता हूँ, यहाँ पे पूरा आपको ग्राफ मिलता है, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो अपने मोड को, ये स्टॉप हो जाएगा, इस अपने मोड को आप यूज़ कर पाओगे। बैक करता हूँ, नीचे आपको मिलता है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, यहाँ पर पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज मिल जाएगी, इसको आप स्टार्ट करके अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल कर पाओगे। मैं बैक करता हूँ अभी। नेक्स्ट आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल, जिसे आप अपने कैमरे को कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, जिसको मैंने पूरा आपको शो कर दिए आगे, बहुत ही इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है अलार्म स्टॉप वॉच टाइमर पीरियड साइकिल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो गर्ल्स को बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, गर्ल्स अपना पीरियड्स यहाँ पर ट्रैक कर सकती है। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, यहाँ पर मिलती है फ्लैश लाइट, QR कोड मिलता है। यहाँ पर मैं अध्यक्ष के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसा आप ऑटो स्लीप को चेंज कर सकते हो, मैनुअल चेंज कर पाओगे, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, डायल स्विच कर सकते हो, बहुत ही जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है वाइब्रेशन, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वाइब्रेशन दोनों रख पाओगे, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, जिससे व्हाट्सअप साइलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है इंटेंसिटी, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग कर पाओगे अपने वाइब्रेशन को। नेक्स्ट आपको मिलता है पावर सेविंग मोड मिलता है, थिएटर मोड। नेक्स्ट मिलता है फोन को, ऐसे अपने कॉलिंग फीचर को ऑन ऑफ कर पाओगे। नीचे आपको मिलता है कॉल रिसेट, इसे पूरा गया मैं ब्लूटूथ यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलेगा AI वॉइस असिस्टेंट, और आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे आप इस फीचर को क्लोज कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, या तो आप एनालॉग क्लॉक या तो डिजिटल क्लॉक यहाँ पे सेट कर पाओगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर, जो काफ़ी अच्छा है। अब मैं सिस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे आप रिस्टार्ट पावर ऑफ में रिसेट कर पाओगे। और लास्ट में कमेंट है अबाउट, यहाँ पे वॉच के बारे में सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। सो भी आपको स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आप कोई न्यू कोनिंग स्मार्ट वॉच परचेस करने वाले हो तो इसको ही आप परचेस करना, आपको फुल पैक फीचर वाली स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। सारे आपको एडवांस एंड लेटेस्ट फीचर यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाएगा, बहुत ही वेरी फेमस स्मार्ट वॉच है। सो इस स्मार्ट वॉच को परचेस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो भी आपको वीडियो यूजफुल लगाओ, इंटरेस्टिंग लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं वीडियो में।